सचिवालय एग्जाम कैंसिल करना होगा उनको। हाँ एग्जाम नहीं ले पाते बिहार के लोग, तब क्या करेंगे लोग वहां पे। और ना ये जो हर बोर्ड के लिए जो सचिव बन के बैठे हैं लोग, कोनो काम का नहीं है सर यहाँ पर। यहाँ पे आप बताओ ना, बीपीएससी अभी फॉर्म भरा रहा कर फरवरी में एग्जाम लेंगे। अच्छा 2 फरवरी को एग्जाम लेंगे, कैसे? सुनिए ध्यान से, आपको बात एग्जाम ये लोग ना जमीन पे उतर ले, दिमाग से पैदल हो गया है सर। देखिए बताए, अभी तक एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, डेट बढ़ा दिया बीपीएससी का, बिहार स्टेट पीसीएस का अभी फॉर्म भराया जा रहा है, और इन्होंने कहा कि अगले 25 दिन में हम एग्जाम ले लेंगे फरवरी में। सोचिए उस समय मैट्रिक इंटर का एग्जाम के लिए सेंटर वाले अपना सेंटर नहीं देंगे, आधा सेंटर गड़बड़ रहेगा, तो कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, आनंद फानंद में जौन चीज मिलेगा दे दो, उसके बाद पर्चा लीक हो गया, लड़का लाठी पिटा है, फिर टीचर के पास जाओ, फिर दबाव बनाओ तो फलाना जगह जाओ, मंत्री साहब को बोलो, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, सचिव के पास जाएगा, अखबार में आएगा, फिर पता चलेगा एग्जाम कैंसिल। अरे यार गधो लोग, मैट्रिक इंटर का एग्जाम होता है फरवरी में, इस समय पूरी कोचिंग पूरी स्कूल गवर्नमेंट होती है, जिस पर गवर्नमेंट का सीधा पकड़ होता है, जिस पर कंट्रोल ईजी होता है, जिसका कैंपस बड़ा होता है, वो बीजी है, तो करेंगे? मेरा तो एक दिन का काम है, 10 मिनट का काम है लीक होना। कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। अच्छा आनंद फानंद में लेंगे ना, लड़के को प्रॉपर तैयारी करने को मिलेगा ना कुछ, अकलेल बकलेल लड़का पहुंचेगा, फिर कहेंगे बिहार पीछे है, पीछे किया जा रहा है। सब होता है यहाँ पे, इस सब जगह पे। आप तो आप बताइए, बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्था में, अच्छा ये अपने आप को ना, समस्या ये नहीं है ना, बीपीएससी वाले अपने आप को यूपीएससी से भी ऊपर समझते हैं। दिमाग एक तो स्टेट बीपीएससी के सिलेबस में है कौन चीज, यहाँ पे एकदम खड़े खड़े आ जाता है यहाँ पे। अब तो थोड़ी होश में आया है तो निबंध वगैरह जोड़ा है, अब होश में आया है तो क्या जोड़ा है, निबंध वगैरह जोड़ा, नहीं तो इन लोग को ऐसा लगता है ना कि ये यूपीएससी से भी क्या है, ऊपर है। सोचिए अभी फॉर्म भरा जा रहा है, 25 दिन बाद एग्जाम ले लेंगे, मतलब तुम चोट्टा कहीं का कब फॉर्म निकालेगा पता नहीं है, निकालते कहेगा 25 दिन में एग्जाम ले लेंगे। ऐसे लोगों को ना मतलब क्या ही बोला जाए, यहाँ पे कलंक है सभी सब कलंक। अगर ये बता देता कि हम जनवरी दिसंबर में फॉर्म निकालने वाले हैं, पहले से 6 महीना पहले बता देता, तो इनको इससे मतलब नहीं है। देखिए मेंटेलिटी समझिए, उनको मतलब है कि मेरी जितनी सीट है बीपीएससी में वो भर जाएगा, लड़का कैसा आएगा कैसा अधिकारी बनेगा इन घोंचुओं को कोई मतलब नहीं है, समझ रहे ना। उन लोगों से जब हम बात किए तो कहे खान साहब हमको टेंशन नहीं है, मेरा तो सीट भर ही जाएगा, जितनी सीट है मेरा भर जाएगा, उसको सीट भरने से मतलब है। अब कितना बोला जाएगा ये सब चीजों में, अरे नेता को क्या बोलोगे, यहां अधिकारी भी यूपीएससी में जो एकदम छाटल आ जाता है ना, जिसका कोई काम धाम नहीं तो हमको लगता है कि इधर भेज देता है। अब आप बताओ उस सचिव को इस बात की चिंता नहीं है कि एक अच्छी क्वालिटी के लोग आए जिन्हें प्रॉपर मौका दीजिए तैयार करके आए, नहीं उसको, उनके ऊपर मेन है कि उनको इस 3 साल मतलब 2.5 साल के अंदर उनको 3 गो बीपीएससी कंडक्ट करा देना, समझ, चाहे कैसा भी लोग आए कैसा भी जाए कोई बहस नहीं है यहाँ पर। अच्छा ये लोग को बात जाके देखिएगा ना, इतने अहंकार से भर गए रहते हैं लोग, ये लोग समझते नहीं है, इनको लगता है कि यही दिमाग इन्हीं के पास खाली दिमाग है, ये कॉलेज स्कूल और शिक्षा ग्रहण का काम 20 साल पहले छोड़ चुके हैं और अपने आप को अभी भी तेज समझते हैं। हर नेक्स्ट जनरेशन अपडेटेड रहती है, कोई एक बार विचार विमर्श नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो बिहार की स्थिति बहुत उटपटांग हो चुकी है। एक ही इंसान है जो बदल सकते हैं, आप लोग बदल सकते हैं, ठीक है, बाकी इनके बस की बात नहीं है। आप लोग कहिया